आइडियाज बहुत बड़ा नाम है, कुछ भी किसी को भी बुला सकते थे। सिंह साहब ही क्यों, योर लाइफ इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट इज इंस्पायरिंग एंड यू कैन सी द इंस्पिरेशन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। मैं भी कुछ साल पहले उसी जगह पे था एंड मैं भी तब इंस्पिरेशन के लिए ढूंढ रहा था, ढूंढता था। इन्होंने एक ऐसे शख्स को अपने बच्चों के रूबरू खड़ा कर दिया जो बॉलीवुड हस्ती हैं। मेरे स्कूल के बच्चे अगर इनमें से 10 भी ऐसे निकल गए, अगर एक भी ऐसा निकल गया, एक भी इस मीट से कुछ सीख पाए, जीवन में कुछ हासिल कर पाए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ये सोचा आईडिया आ रहा है इसने। नर्वस हो या फुल जोश में हो? एक्टर हैं तो थोड़ा नर्वस है। फील प्रिविलेज कि हमने उनको मिला है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर अस टू मीट सच अ ग्रेट सेलिब्रिटी अलोंग विद अस। चाहूंगा कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, पूरे IDRS का हर एक बच्चा इंस्पायर होके दुनिया की बुलंदियां छुए और IDRS का नाम रोशन करे। इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल IDRS सैनी कॉलोनी चौधरी में हूँ। इन लोगों ने कोशिश की कि इन बच्चों को कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जाए जिससे जो बच्चे कुछ सीख सकें, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी हासिल कर सकें। गोल सबके अलग होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल, ये एक्सपेरिमेंट बड़े कम स्कूल करते हैं अपने बच्चों के साथ। पूरा वीडियो में आपको समझ आएगा कि ये स्कूल आखिर करना क्या चाहता है। यहाँ पर एक सेलिब्रिटी आने वाला है जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप जम्मू है और हाल ही में उसने टॉप के बॉलीवुड एक्टर के साथ मूवी की है, मॉडल है, एड्स में रहता है। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन के साथ काम कर जम्मू का लड़का वापस आया है। IDRS ने कोशिश की क्यों ना ऐसे टैलेंट को, ऐसी अपब्रिंगिंग को जम्मू के साथ रूबरू कराया जाए, इसलिए अपने बच्चों के साथ उनको मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। और ये बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आज। सेलिब्रिटी तो है जो आ रहा है, एक्टर तो है, लेकिन जम्मू का है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। क्या नाम है बेटा आपका? अनिका जम्वाल। अनिका जी, आज किससे मिलने जा रहे हो, किसी से? कुछ तैयारी की है? यस सर, हम सब ने मिलकर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं सर के लिए, बनवीन सर के लिए। क्या क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं? पहले उनके स्कूलिंग के बारे में पूछा है। हाँ। उनके स्कूलिंग एफर्ट्स, उसके बाद उनकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, और फिर मैसेज पूछा है कि वो IDRS के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। नर्वस हो या फुल जोश में हो? एक्टर हैं तो थोड़ा नर्वस है। थोड़ा नर्वस है। आप क्या करना चाहते हो, कुछ सोचा है अभी? अभी बड़ी छोटी उम्र, अभी वो टाइम नहीं आया। सोचा है। क्या सोचा है? IAS। IAS तो फिर यह किसी एक्टर के क्या सवाल तैयार किए? आपको कोई और सवाल तैयार करने चाहिए थे फिर IAS वाले? स्कूल के लिए किए ना। स्कूल के लिए। ऑनेस्ट आंसर, बड़ा ईमानदार आंसर है। आपका नाम क्या है बेटा? तापसी। तापसी, तापसी पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करती है? डांस। डांस करते हो? कहाँ पे डांस किया आपने? बड़ी सारी जगह। बड़ी सी जगह डांस किया? हाँ। तापसी के बारे में बता दूं, जो मुझे बताया गया है कि ये वर्ल्ड क्लास डांसर हैं। जब इसमें वर्ल्ड जुड़ जाता है तो इसका मीन आप खुद निकाल लीजिए। तापसी IDRS की स्टूडेंट हैं। आज किससे मिलने जा रहे हो? बनवीन सिंह सर। बनवीन सर अच्छे लगते हैं? पहले देखा कभी उनको? हाँ। कहाँ पे? मूवी। कौन से? फाइटर। आपकी उम्र कितनी है? 9 ईयर्स। 9 ईयर, 9 साल का बच्चा है IDRS का। लाजवाब, सुपर्ब, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है वो सेलिब्रिटी कन्फ्यूज हो जाएगा आ जाकर। आपका नाम क्या है बेटा? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बनवंत है। तो मैं डेली राइजिंग स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या किया, कौन मिलने आ रहा है आपसे आज? आज हमने मिस्टर बनवीर सिंह जी को मिला है एंड वी फील प्रिविलेज कि हमने उनको मिला है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर अस टू मीट सच अ ग्रेट सेलिब्रिटी अलोंग विद अस। सो वी आर एक्साइटेड एंड बोथ वी आर फीलिंग प्रिविलेज्ड। ये IDRS की स्कूलिंग है। मैं इन बच्चों से सवाल पूछने वाला था, कन्फ्यूज तो नहीं हो जाओगे? मुझे लगता है कि उस सेलिब्रिटी को कन्फ्यूज होना पड़ेगा इन बच्चों के साथ डील करने में, उनको परेशानी हो सकती है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम हरप्रीत कौर है। हरप्रीत जी, कौन सी क्लास में है आप? मैं 10th में हूँ। क्या करना चाहते हैं लाइफ में? लाइफ में आई एम थिंकिंग टू गो इन सिविल सर्विसेज, IAS ऑफिसर्स। सब अवसर पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कोई एक्टर है? कोई एक्टर बनना चाहता है? आपका नाम क्या है बेटा? माय नेम इज रात्रिका दुबे। आप क्या करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। IDRS बहुत ज़बरदस्त आउटपुट देने वाला है आने वाले सालों में।
IDRS ने कोशिश की कि बवनीन के साथ इन बच्चों को लाया जाए ताकि जम्मू का वो बच्चा जिसने अपनी लाइफ को एक नया आकार दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से, अपनी कोशिश, अपने संघर्ष की वजह से। बड़े कम स्कूलों में ऐसा होता है जैसा सैनिक कॉलोनी चौधरी IDRS ने किया। इन्होंने एक ऐसे शख्स को अपने बच्चों के रूबरू खड़ा कर दिया जो बॉलीवुड हस्ती हैं, ताकि जिस इंसान ने संघर्ष कर कर अपनी मेहनत से कुछ अचीव किया है, मेरे स्कूल के बच्चे अगर इनमें से 10 भी ऐसे निकल गए, अगर एक भी ऐसा निकल गया, एक भी इस मीट से कुछ सीख पाए, जीवन में कुछ हासिल कर पाए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ये सोचा IDRS ने। मेरे साथ बवनीत जी हैं, am I right sir? सर आपसे मैं मिलना चाहता था, मिल नहीं पाया, लेकिन IDRS ने हमें यहाँ मिला दिया आज। बहुत कुछ छोटी सी उम्र में हासिल कर लिया आपने, और आज क्योंकि आपके फादर बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, मैं इनके वर्ड्स में वो ले नहीं पाऊंगा, मुझे पता है ये क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ। क्या लगता है आपको आज इतनी छोटी सी उम्र में आज इतने बच्चों की आप इंस्पिरेशन हैं, और आज आपको यहाँ बुलाया गया आपको देखने के लिए, ये उत्साहित से इंतजार कर रहे थे आपका, क्या फील कर कह रहे हैं, एक सेलिब्रिटी क्या फील कर रहा है? अभी तो सेलिब्रिटी कहाँ, बट सच बात बताऊँ तो मैं भी कुछ साल पहले उसी जगह पे था, एंड मैं भी तब इंस्पिरेशन के लिए ढूंढता था, बट वही जैसे मैंने बताया कि इंस्पिरेशन आपके घर पे आपके माँ बाप ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आज मैं आ रहा था तो मुझे वो चीज़ अंदर से फील हो रही थी कि आज शायद मैंने ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा किया है कि कुछ और लोगों को इंस्पायर करने जा रहा हूँ, और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ज़िंदगी में और मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ, ताकि जितना हो सके और लोगों को इंस्पायर करूँ, ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। एक बार और बता दूं सिंह साहब के बारे में, ये बॉलीवुड के नंबर्स में से अब आते हैं, एक चेहरा है बॉलीवुड का, फाइटर फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, 5 फाइटर पायलट्स की फिल्म है, उनमें से एक जम्मू का पायलट भी है हमारा सिंह साहब भी हैं। तो सर एक बच्ची ने आपसे सवाल पूछे, आपकी जर्नी के बारे में उसने जानना चाहा, कहां से शुरू किया, स्कूलिंग क्या हुई, क्या सोचते थे आप, क्यों बॉलीवुड में हैं। मुझे लगता है कि ये बेस्ट इंटरव्यू था आपका। आज के बाद जितने भी इंटरव्यू होंगे, एक बच्चा भगवान का रूप था, पता नहीं उसने क्या सोचा, तो क्या उनके जवाब बहुत मुश्किल थे, एक बच्चा जब पूछ रहा है, लगा कि ये सवाल मुझसे जो पूछे जा रहे हैं शायद यही मैंने अचीव किया है आज। ये काफी अच्छी बात बोली आपने, बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वहां से सवाल आ रहे थे तो मुझे कुछ कोशिश ही नहीं करनी पड़ी जवाब देने की, अंदर से ऑनेस्टली वो जवाब निकलने लगे, क्योंकि आप भगवान के सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं या भगवान के सामने कैसे कुछ पर्दा रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सवालों में इतना प्यार थी, इतनी मिठास थी, कि मेरे जो जवाब हैं वो खुद ब खुद सच्चाई के साथ निकलते आए, एंड यही सच्चाई है, एंड यही जैसे मैंने बताया कि मेहनत ही ज़िंदगी में सब कुछ है, मेहनत करके आप चलते रहें ज़िंदगी में, हो सकता है कि कुछ देरी के बाद आपको सक्सेस मिले, लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक आखिरी सवाल, आपका वक्त बहुत कीमती है, पता नहीं किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, वो तो मुझे लगता है हमें भी तो ही बचल पर्दे पे आ जाएगा जब। अब सवाल ये है साहब, IDRS की इस कोशिश को, ये एक बड़ी ही मासूम कोशिश है, मासूमों के लिए है, क्या लगता है इस कोशिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस मीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर ये नहीं भी करवाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने एक ऐसा मीट करवाया जिससे मैंने कहा चाहे एक भी बच्चा आपसे इंस्पायर हो गया, आपसे कुछ सीख पाया, क्या कहेंगे इस कोशिश के बारे में? सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा IDRS के प्रिंसिपल सर को, एंड सेकेंड ऑफ ऑल बहुत ही ज़रूरी होता है कि छोटी उम्र में ही बच्चे अपनी इंस्पिरेशन ढूंढ लें, और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जब आपका लाइफ में गोल क्लियर हो तो वो गोल अचीव करना आसान हो जाता है। तो आज जो है IDRS ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, मेरे को खुद बहुत खुशी हुई कि मैं आज आके इन छोटे बच्चों के सामने अपनी स्टोरी बता पाया, मैं किन चीज़ों से गुजरा हूँ और कैसे मैंने मेहनत की। और आपने बिल्कुल सही बात कही, और मैं चाहूँगा कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, पूरे IDRS का हर एक बच्चा इंस्पायर होके दुनिया की बुलंदियाँ छुए और IDRS का नाम रोशन करे। शुक्रिया साहब, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा, बहुत से सवाल हैं आपके आपसे साथ जुड़े हुए। सर एक सवाल आपसे, इस छोटी सी उम्र में आपके बेटे ने आपको एक मंच दे दिया, आपको वो इज्जत दे दी जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना एक बाप के लिए मुश्किल है, क्या कहेंगे? ये इसकी मेहनत मैं कहूँगा, लगन कहूँगा, और इसका एक जो डेडिकेशन है इसको, वहाँ बॉलीवुड में आपको पता है कि सरदार्स के रोल बड़े कम होते हैं मूवीज़ में, लेकिन जो इसकी मेहनत और इसका टैलेंट था,
वो इसका रंग लाया और जम्मू के लोगों का प्यार भी बहुत मिला है। और मैं इसके साथ ये कहूँगी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, और साथ में डॉक्टर अतुल अंश जी का और सारे स्टाफ मेंबर्स का, टीचर्स का, बच्चों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग पॉइंट भूल जाते हैं कि ऐसे सेलिब्रिटी को जिन्होंने कुछ हासिल किया लाइफ में, ऐसे इन बच्चों के सामने आकर खड़ा कर दें, ये लोग भूल जाते हैं, लेकिन IDRS ने याद रखा। ये IDRS का मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अच्छा एफर्ट्स है और ये हम कभी भूलेंगे नहीं। हम थैंकफुल हैं पूरे स्टाफ का, मैनेजमेंट का, स्पेशली अतुल अंश जी का जिन्होंने कि हमें यहाँ इनवाइट किया, और अभी बच्चे इतनी धूप में खड़े हैं, टीचर्स ने भी टाइम दिया है, ये हम कभी भूलेंगे नहीं और बहुत थैंकफुल हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनके थैंक्स करने का। थैंक यू सो नाइस, थैंक यू वेरी मच अतुल साहब। IDRS इतना बड़ा नाम है जम्मू का, कुछ भी किसी को भी यहाँ लाकर खड़ा कर सकता है अपने बच्चों को अगर इंस्पिरेशन। आपने एक जम्मू का चेहरा जिसने आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक आपका स्टूडेंट भी रहा है, ऐसा ही क्यों सिंह साहब ही क्यों? मैंने कहा IDRS बहुत बड़ा नाम है, कुछ भी किसी को भी बुला सकते थे। रविंद्र जी पहले तो थैंक यू आपका, आपने ये कवर किया सारा। ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, मैं जो जनरली बच्चों से भी कहता हूँ, और ये उसका ट्रू एग्जांपल है बनवीन। योर लाइफ इज़ अ मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट इज़ इंस्पायरिंग एंड यू कैन सी द इंस्पिरेशन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। So we are so proud of him, sir. ये मैसेज बच्चों को जाता है कि हमारे बीच का ही एक आदमी उस बुलंदी को छू सकता है, जरूरत नहीं है कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड खड़ी हो, एक बड़ा नाम हो। ये भी एक एग्जाम्पल है बबनीत। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही मैं बच्चों से कहता हूँ कि जरूरी नहीं है। बिल्कुल, आज ये बच्चे ने बोला है खुद ही कि आज से 5-7 साल पहले मैं उसी तरफ था और आज मैं इस तरफ हूँ, अपनी मेहनत की वजह से, अपने डिसिप्लिन की वजह से। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो एक बच्चे में होनी चाहिए जो बच्चे को उस साइड से इस साइड ला सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जो बच्चे घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उन्होंने इस लाइफ से, इस जर्नी से, इस संघर्ष से सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।